वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ IMF से मुआहदे की मंजूरी के लिए पुरउम्मीद, कहा IMF की कड़ी शराइत पूरी करती हैं। मुआहदे पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के शुक्रगुजार हैं। इज्तमाई कोशिशों और इदारों के भरपूर तआवुन से चैलेंजेस पर काबू पाया, मौशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, मीडिया से गुफ्तगू में कहा तुर्क सदर की अक़्वामे मुत्तहिदा में फलस्तीन पर तकरीर दिलों को छूने वाली थी। तैयब एर्दोगान से मुलाकात फूटमंद रही, तुर्किया से बरादराना ताल्लुकात हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मालदीव के सदर से भी मिले, ताल्लुकात के फरोग और मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने के अज़्म का इआदा। मुलाकात में तजारत, सरमायाकारी, तालीम, सियाहत पर बात। आईनी विफाक की अदालत जरूरी और मजबूरी है, आनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि किसी दूसरे वज़ीर आज़म को तख्ता इदारत पर न चढ़ाया जा सके। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा पार्लियामेंट को धमकी दी गई कि आपके पूरे आइन में तरमीम करेंगे। 184-186 के नाम पर जजेस ने खुद को ताकत दी, वो आइन साजी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल के लिए 4 जजेस की तैनाती बगैर ताखीर शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क्याम से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाप्त की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हम पाबंद नहीं, मुझे कोई सरोकार नहीं कि किस जज ने क्या फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन को आइन का पाबंद करवाएंगे। मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 6ठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन का मशावरत जारी रखने का फैसला, मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर करने पर गौर। इजलास में मेम्बर KB ने शिरकत नहीं की, लीगल टीम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा मखसूस नशस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर PTI अहल नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न हुए, PTI का तंजीमी ढांचा भी तब तक नहीं। और IPPs के हवाले से हुकूमती तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल, चार्जशीट सामने आ गई, मुआहदे तजादात से भरपूर निकले। IPPs ने बिजली फराहम न करके भी भारी रकूम हासिल की। 1994 से अब तक IPPs 15,000 अरब रुपए से ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट वसूल कर चुके। ज़राए के मुताबिक टैक्स छूट और टैक्स चोरी से IPPs ने 1200 अरब रुपए नाजायज वसूल किए। सरमाया, मुनाफा, बिजली की फरोख्त की रसीदें भी मशकूक थी।